दोस्तों, अगर आप सुनते हैं कैंसर ये वाट, तो आपको दिमाग में पहले ही आता है स्मार्टफोन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि स्मार्टफोन के वजह से कैंसर होता है। तो मैं आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ और मेरे इस वीडियो आप जरूर बने रहे। तो मैं हूँ देवन जॉन और आप देख रहे हैं इंडियन टेक मीडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सच में सेलफोन या तो वायरलेस डिवाइस में कैंसर होता है? तो आइए अभी देख लेते हैं। जब हम लोग फोन करते हैं तो कॉल जो रिसीवर सेंड करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जेनरेट होता है। ठीक सेम एनर्जी जेनरेट होता है जब हम लोगों को कार में जो स्टीरियो है वहाँ पर जो साउंड जेनरेट होता है, या तो माइक्रोवेव में जब हम खबर गर्म करते हैं तब जेनरेट होता है, या तो जब हम एक्सरे करते हैं और बोन्स को देखने के लिए ठीक ऐसा ही एनर्जी जेनरेट होता है, या तो डायरेक्ट सनलाइट से, या तो घर में जो बाल्ब जलती है वैसे सेम एनर्जी जेनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको डिवाइडेड कर दिया है वेवलेंथ के बेसिस पर। जिसका वेवलेंथ छोटा होगा वहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोपागेट करेगा, जैसे कि एक्स रे, गामा रेस, यूवी रेस। और इसमें क्या होता है, बहुत एनर्जी होता है जिससे कि हमारा जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो जाता है और जो सेल का ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इससे कैंसर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी यूवी रेस से, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट से हम लोगों को भी स्किन कैंसर देखने को मिलता है। लेकिन जो रेडिएशन सेलफोन्स, लैपटॉप्स या तो कुछ वायरलेस गैजेट्स से निकलता है वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर, और इसमें जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बहुत ही कम होता है, इससे की जो एनर्जी होता है बहुत ही कम निकलता है और इसका कुछ कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोगों का जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कैंसर होने के लिए। बहुत सारा इसके ऊपर स्टडीज हुए हैं लेकिन अभी तक के लिए कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंस प्रूफ नहीं मिला जिससे कि ये पता चलते है कि कैंसर स्मार्टफोन या तो कुछ वायरलेस डिवाइस है इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसे भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स सेलुलर नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क में यूज होता है उसका रेंज होता है 1900 मेगाहर्ट्ज़ टू 60,000 मेगाहर्ट्ज़, जबकि जो ईवी का लोएस्ट वेव फ्रीक्वेंसी होता है 13 मिलियन गीगाहर्ट्ज़। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज इतना ज़्यादा है और इससे कि बहुत एनर्जी इसमें जेनरेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सबको पता चल गया है कि सेलफोन्स या तो कुछ वायरलेस डिवाइस यूज करने से कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का फ्रीक्वेंसी रेंज इतना कम होता है और रेडिएशन जितना निकलते है उसका एनर्जी लेवल उतना नहीं रहता है कि हम लोगों का डीएनए के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाला जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी दबाए ताकि हम लोग जो वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।